नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पूजा पाठ करने के दौरान होने वाली तीन ऐसी मुख्य गलतियां जो कि आपसे भूलवश भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि जीवन में हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, सदैव ईश्वर का ध्यान करते हैं, तीनों समय तीनों प्रहर ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन जो फल मिलना चाहिए उसके अनुरूप फल नहीं मिलता है। तो आज सामान्य तौर पर मुख्यतः तीन वो गलतियां आपको बताने वाले हैं जो कि पूजा पाठ के दौरान आपको कभी भी अभ्यासित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में बहुत सारी जो कष्ट आते हैं, परेशानी आती हैं, कई बार तो उन्हें हम स्वयं ही आमंत्रित कर लेते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं उन तीन गलतियों की ओर जो कि आपको पूजा पाठ के दौरान नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती मैं आपको बताऊंगा, यदि हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो वह समय पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जिस मंदिर स्थान पर आप बैठ रहे हैं, आप स्वयं अंतर्मन से सोचिए कि आप उन परमेश्वर के सामने अपनी पूजा समर्पित करने जा रहे हैं जिन्होंने यह संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया है। तो क्या आपके पास उनके लिए इतना भी समय नहीं है कि पूरे मन से उनको समर्पित हो जाएं? गलती कहां पर होती है कि हम बैठ तो गए हैं पूजा के लिए, लेकिन मन इधर उधर भटक रहा है। कोई अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोच रहा है, कोई अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच रहा है, कोई अन्यत्र अन्यत्र विचारों में डूबा हुआ है। तो आप स्वयं सोचिए कि ये वो गलती है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं और फिर ये शिकायत भी करते हैं कि ईश्वर हमारे सुनते ही नहीं है। सबसे पहला आपको यहां पर एक सुधार करना है कि पूजा पद्धति में तभी बैठिए जब पूरी तरह से मन स्वीकार्य हो, समर्पित हो। ऐसे ही मत बैठ जाइए, क्योंकि ऐसे ही बैठना है तो फिर वो पूजा पूरी तरह से व्यर्थ है। आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन कटु सत्य है कि बिना अंतर मन से, बिना अंदर से तैयार हुए कि अब हमें ईश्वर की शरण में जाना है, आप कितनी भी गहनता से पूजा कर लीजिए, कितने ही मंत्रोच्चारण कर लीजिए, कितनी ही कथाएं सुन लीजिए, लेकिन जो फल पूरी पूजा की पद्धति का मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना प्रयास कर लीजिए। तो आपको पहली बात यही ठीक करनी है कि जब भी बैठे अंतर मन से आवाज आनी चाहिए कि ये वो समय है जब मैं अपने परमेश्वर के समक्ष बैठ रहा हूं। महाराज जी की अगर आप पूजा करते हैं तो महाराज जी के समक्ष जाते हुए भी यह विचार आना चाहिए मन में कि अब क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं। महाराज जी के सानिध्य में जा रहे हैं, महाराज जी के समक्ष राम नाम का जाप करने जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी विधि कर लीजिए, वो विधि तब तक संपन्न नहीं होगी जब तक आप अंतर मन से समर्पित नहीं हैं। इस गलती को सुधार कर देख लीजिए, आधी परेशानी जीवन की तो यही ठीक हो जाएगी। तो यह था पहली वह गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली, वो कौन सी गलती है जो हम भूलवश भी हमें करनी नहीं चाहिए, जिससे जीवन में कष्ट हम आमंत्रित कर लेते हैं। अब दूसरी गलती क्या होती है, चाहे अनचाहे लगभग हर व्यक्ति से ये भूल हो जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए किसी मंत्र को, किसी विधि को, किसी प्रकार के प्रसंग को आपने किसी के द्वारा सुना और उस विषय में आपको पूरी जानकारी नहीं है। मुख्यतः मैं बात करने जा रहा हूं मंत्रों के विषय में। मंत्र इतनी घनिष्ठ चीजें होती हैं, ये जो मंत्र उच्चारण होता है ये बहुत बहुत शक्तिशाली होता है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे कई परे मंत्रों की शक्तियां होती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गलत मंत्रों का उच्चारण करते हैं मंदिर स्थान पर, ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के विग्रह के समक्ष। आपको आधी अधूरी जानकारी होती है, फिर उस आधी अधूरी जानकारी को उदाहरण स्वरूप में मान लीजिए आपने किसी के द्वारा कोई मंत्र सुना है और आपको पता है इस मंत्र से इस विधि का विधान होता है, लेकिन आपने उस मंत्र को ठीक प्रकार से अभ्यासित नहीं किया, आप अभ्यास में नहीं है, और ऐसे ही आप मंत्रों का उच्चारण करने जब बैठ जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अधूरा ज्ञान सदैव सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।
तो मंत्रों का उच्चारण मुख्य तौर पर इस बात को रेखांकित करिएगा कि मैं मुख्यतः बात कर रहा हूं मंत्रों के विषय में। मंत्र बहुत शक्तिशाली विधि होती है, मंत्रों का उच्चारण यूं ही नहीं करना चाहिए बिना किसी गुरु के द्वारा। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, बिना गुरु के द्वारा मंत्रों का जाप यूं ही मत करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब गलत उच्चारण करते हैं या गलत विधि से आप मंत्रों को जाप करते हैं या अभ्यास करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सी नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। आपको अच्छे फल मिलने की बजाय नकारात्मक प्रभावों का अनुभव होने लगता है। आपको पता नहीं चल पाता कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, मेरी सोच अच्छी है, मेरे विचार अच्छे हैं, मैं अच्छी विधि को जानना चाहता हूँ, जिज्ञासु हूँ, लोगों से सीखना चाहता हूँ, सब कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, फिर ये कष्ट कहाँ से आ रहा है, फिर ये कष्ट क्यों आ रहा है? तो एक सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है, आप गलत विधि का, गलत मंत्रोच्चारण का, गलत विधानों का जीवन में प्रयोग करते हैं, उससे आपके जीवन में नकारात्मकता आ जाती है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बिना गुरु के द्वारा किसी भी मुख्य मंत्रों का जाप ना करें, आधी अधूरी जानकारी से कोई भी पद्धति का इस्तेमाल ना करें। ईश्वर बहुत सरल हैं, अगर आप अपने शब्दों में भी कोई प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। बस यही होता है कि हम अंतर मन से पुकारें तो जरूर हमारी हर बात सुनी जाती है। अब बात करते हैं तीसरी उस गलती की, जो सबसे ज्यादा लगभग हर प्रत्येक व्यक्ति ये गलती अवश्य कर ही रहा है। अब ये तीसरी गलती क्या है? देखिए, तीसरी गलती क्या होती है जो कि मुख्यतः लगभग हर व्यक्ति भूल जाता है। होता यह है कि जैसे बहुत से सिद्ध स्थान होते हैं, जैसे कोई धाम है, जैसे कैंची धाम है, इसके अलावा भी बहुत से सिद्ध पीठ हैं जहां पर हम मनोतियां करते हैं, जहां पर हम ईश्वर से ये कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, या जो भी आप मनोतियां करते हैं कि ये मेरा पूरा कर दीजिए, मैं इस स्वरूप में आपको ये समर्पित करूंगा। इस भाव से जो आप प्रार्थना करते हैं, और उस भाव से प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, प्रार्थना करने के बाद यदि आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो बहुत से लोग अपनी उस पूरी मनोकामना के सुख में इतना डूब जाते हैं कि उन्होंने क्या मनोती कौन से स्थान पर किस सिद्ध पीठ पे की थी, और अपना वो वादा जो है वो भूल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो इसके लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज यही है कि जब भी आप कहीं पर भी मनोकामना मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि मेरा ये अमुक कार्य बना दीजिए, उसके पश्चात आपको वहीं पर रुक जाना है। पहले तो आप किसी प्रकार का वादा ना करें कि मैं ये कार्य अवश्य करूंगा, और अगर करते हैं उस कार्य को पूरी तरह से निभाइए, इसको भूलिए मत। अगर आप भूल जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार से हम ये नकारात्मकता स्वयं ही फैला रहे हैं कि अगर मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। पहले तो ये, और दूसरा फिर उसको भी आप भूल जाते हैं, वो नियम आपने बनाया। मैंने आपको कई क्रमांकों में बताया है कि यदि कोई नियम आपके द्वारा बनाया गया है तो उस नियम को नियमबद्ध स्वरूप में पूरा अवश्य करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो जीवन में कोई ऐसा नियम ना बनाएं जो कि आप पूरा ना कर सकें। यह सबसे बड़ी गलती है। आप भी अपने अंदर टटोल कर देखिए, क्या आपने भी कहीं पर मनोकामना मांगी थी और उसके पूरे होने के बाद आपने उसको पूरा नहीं किया, या अगर वो पूरी नहीं हुई है तो क्या आप उस क्रम में अभ्यास कर रहे हैं, जो बात आपने प्रार्थना में कही थी उसके अनुरूप आप चल रहे हैं नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। तो इन तीन मुख्य गलतियों को जिस व्यक्ति ने सुधार लिया, पूजा पद्धति के दौरान इन तीनों नियमों को निभा लिया, तो परेशानियां आधी तो हम अपने जीवन में स्वयं ही खड़ी करते हैं, आधी परेशानी तो जीवन की आपसे चली ही जाएगी। और दूसरा, नियमबद्ध रूप से समर्पित भाव से यदि पूजा प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ईश्वर बहुत दयालु हैं, अवश्य सुनते हैं। और महाराज जी की अगर बात की जाए तो महाराज जी तो अपने अनन्य भक्त का हाथ कभी छोड़ते ही नहीं है। वो स्वयं कहते हैं कि ऐसा भक्त मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन ऐसे भक्त का मैं हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये तीनों गलतियां आप अपने जीवन में अवश्य सुधारेंगे। और इस क्रमांक के समाप्ति का समय भी आ गया है, तो आइए विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, और इस संपूर्ण विश्व का, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अद्भुत क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।